नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। सपा नेता मुलायम सिंह यादव का निधन, 82 साल की उम्र में मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का निधन, अखिलेश बोले मेरा पिता और सबके प्रिय नेताजी नहीं रहे। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर जताया शोक, कहा जमीनी और संवेदनशील नेता। दिल्ली में शराब स्कैम में तीसरी गिरफ्तारी, सीबीआई ने अभिषेक वनपल्लीवार को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर अनंतनाग एनकाउंटर में मारा गया एक और आतंकी, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। नाइजीरिया के दक्षिण पूर्वी राज्य संभा में एक नाव दुर्घटना में मरने वालों की संख्या पहुंची 76 पर। यूक्रेन के लगभग पूरे क्षेत्र में एयर अलर्ट किया गया घोषित। पंजाब के मोहाली में सिटी सेंटर की इमारत ढहने से दो की मौत, तो वहीं दो घायलों का किया गया रेस्क्यू। पंजाब पुलिस ने कस्टडी से भागे गैंगस्टर दीपक टीनू की महिला साथी को मुंबई एयरपोर्ट में किया गिरफ्तार। और सैफई में राजकीय सम्मान के साथ कल होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार।